नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट रिधि बहल। आज का जो वीडियो है वो पाकिस्तान की प्रेडिक्शन के बारे में है। मैंने 2 महीने पहले एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पाकिस्तान की हॉरोस्कोप और इमरान खान की हॉरोस्कोप को डिस्कस किया था। तब मैंने इमरान खान जी के ऊपर अटैक होगा इस पे भी उस वीडियो में डिस्कस किया था। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग देख सकते हैं। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो इसलिए बना रही हूँ कि अभी जो है पाकिस्तान की प्रत्यंतर दशा में जो है चेंज हुआ है। तो क्या चेंज हुआ है, आज मैं आपके साथ वही डिस्कस करूंगी। देखिए, उनकी जो महादशा है वो शुक्र की चल रही है, अंतर दशा शनि की चल रही है और प्रत्यंतर दशा जो है वो आज से राहु की शुरू हो गई है। अब राहु जो है वो पाकिस्तान की कुंडली में सेकंड हाउस में बैठे हैं। इनका जो है मेष लग्न है। अब सेकंड हाउस जो है वो मंडेन एस्ट्रोलॉजी में मेदिनी ज्योतिष, जिससे कि हम कंट्रीज के बारे में और पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में या नेचुरल क्लैमिटीज के बारे में जो हम प्रिडिक्ट करते हैं वो मंडेन एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से करते हैं। सो एज पर मंडेन एस्ट्रोलॉजी सेकेंड हाउस जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशंस को, इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, किसी भी देश के अगर रेवेन्यूज देखने हैं या वेल्थ देखनी है कि हाउ वेल्दी अ नेशन इज, तो उसके लिए जो है हम सेकेंड हाउस देखते हैं। अब राहु जो है वो पाकिस्तान की कुंडली में सेकेंड हाउस में बैठे हैं। ऑल्सो एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व करी जब पाकिस्तान के इवेंट्स पढ़े कि पहले क्या क्या इनके साथ हुआ है, तो जब जब राहु का कनेक्शन आया है, राहु की अंतरदशा या राहु की प्रत्यंतर दशा आई है, तो दैट हैज़ नॉट बीन अ वेरी गुड टाइम फॉर पाकिस्तान। कुछ ना कुछ चैलेंजेस जो है इनको फेस करने पड़े हैं। और देखिए, फाइनेंशियली भी पाकिस्तान जो है वो फॉरेन ग्रांट्स लोन्स वगैरह जो है लेता रहा है। तो अब राहु सेकेंड हाउस में है, प्लस अभी जो है गोचर के मंगल जो है वो राहु के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं और गोचर के जो राहु हैं वो लग्न में बैठे हैं। सो देखिए, जब जब राहु और मंगल एक साथ आते हैं तो इट लीड्स टू एग्रेशन। अब फाइनेंशियल कंडीशंस वैसे भी कंट्री की अच्छी नहीं है, अंतर दशा जो है वो शनि की चल रही है। शनि जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं मासेस को, जनता को। शनि बैठे हुए भी फोर्थ हाउस में है। फोर्थ हाउस जो है आपकी इंटरनल सिचुएशन को बताता है। सो ऑब्वियसली जब फाइनेंशियल क्राइसिस होगा तो जनता जो है वो परेशान होगी और वो अग्रेशन का रूप भी ले सकती है, अग्रेसिव भी हो सकती है। दूसरी चीज, जो डबल ट्रांजिट है शनि का और गुरु का, सैटर्न और जुपिटर का, वो जो है वो स्कॉर्पियो राशि पे पड़ रहा है। अब स्कॉर्पियो राशि जो है वो पाकिस्तान की कुंडली में एर्थ लॉर्ड है, एर्थ हाउस का स्वामी है स्कॉर्पियो, जिसका लॉर्ड मंगल एज इट इज सेकेंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। दूसरा, एर्थ हाउस जो है वो डिपिक्ट करता है सडननेस को, हिडन चीज़ों को। ये देखा गया है कि जब भी किसी कंट्री में सरकार एकदम से पलट जाती है या कुछ ना कुछ चैलेंजेस सरकार के लिए आते हैं, एकदम से सरकार का टेन्योर खत्म हो गया है या सरकार में उलट पलट कुछ हुआ है, कुछ मेजर चेंज हुआ है, तो वहाँ पे एर्थ हाउस का रोल जो है बहुत स्ट्रॉन्गली आता है। तो अभी जो है गोचर में एर्थ हाउस जो है वो बहुत अभी एक्टिवेटेड हो रखा है। सो फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द पीपल, फॉर द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंट्री, सिचुएशन जो है कोई बहुत अच्छी अभी नहीं दिख रही है। दिसंबर से जो है पाकिस्तान की दशा जो है वो बदलेगी, शुक्र में बुध की दशा आएगी। अब बुध जो है वो इनके छठे घर के स्वामी हैं और चौथे घर में बैठे हैं। चौथा घर यानी कि फोर्थ हाउस जो है वो आपकी टेरिटरी के बारे में बताता है, आपकी जो ज़मीन है, आपकी जो लैंड है उसके बारे में बताता है। सिक्स्थ लॉर्ड का फोर्थ हाउस में जाना मतलब कुछ ना कुछ लैंड या आपकी टेरिटरी को लेके डिस्प्यूट डिपिक्ट करता है। तो अब किस तरह से हालात आगे बढ़ेंगे, क्या होगा और किस तरह से दशाएं भी जब बदलेंगी तो क्या उसके रिपरकर्शन या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमें
देखने को मिलेंगे. आई विल कीप यू अपडेटेड मोर ऑन दिस. अभी जो सिचुएशन है, फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो कोई बहुत अच्छी या एकदम इम्प्रूव होती हुई नहीं दिख रही है. सो वी ऑल होप दैट पाकिस्तान का जो ये स्ट्रगलिंग टाइम है उससे पाकिस्तान इजीली कोप अप कर सके. सो आई विल कीप यू अपडेटेड ऑन दिस. टिल देन नमस्कार.